हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल एंटोन चेकोव द्वारा लिखा हुआ, उसकी समरी आज करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की। उसमें अगर आप इंडेक्स में जाओ तो यहाँ से देखो, आपके पास ये जो 11th चैप्टर है, ये रहा जो लास्ट वाला चैप्टर है द प्रपोजल। ये एक प्ले है, आपने ये क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार खुद पढ़ के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें यहाँ से ये शुरू हो रहा है, पहले तो वो बताता कि रशियन वेडिंग कैसे होती है, ठीक है, पर जो प्ले है वो यहाँ से शुरू होता है। उस प्ले में तीन करेक्टर्स हैं, एक है स्टेफन और लैंड ऑनर, और दूसरा लैंड ऑनर नतालिया स्टेफनोवा, उसकी डॉटर है ये 25 ईयर्स की, और इवान लोमोव और नेबर, दूसरा चुबकोव का नेबरर है ये, ठीक है, उसका पड़ोसी है ये। तो ये उनकी स्टोरी है। तो यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड है, ये भी दूसरे का उसका नेबर है, उसका पड़ोसी है। तो ये क्या कर रहा है, इसके घर बड़ा तैयार होके इसके घर आ रहा है, और वो उसको पूछता है कि तुम मेरे घर क्या करने हो इतना तैयार होके, और वो उसको बताता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ, शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। तो वो कहता है, बड़ा खुश होता है, चलो ठीक है मैं अपनी बेटी को आपके पास भेजता हूँ। यहाँ से वो इंटरेस्टिंग आगे पार्ट शुरू होता है कि किस तरीके से वो उसकी बेटी को प्रपोज करता है शादी के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है, एक बार आप खुद भी पढ़िए, मैं आपको इसकी समरी कराता हूँ, ठीक है जी। इससे पहले कि स्टूडेंट्स मैं आपको समरी स्टार्ट कराऊँ, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पोर्शन वाइज ये बनाया हुआ है, हर एक तरह से जो प्ले के इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर अलग अलग हेडिंग बना के आपको बताया है ये समरी में। तो सबसे पहले लोमोव इज रिसीव्ड इन चुबकोव हाउस। तो लोमोव है जो, वो चुबकोव के घर में आता है। इट इज़ ए चुबकोव हाउस, ये मतलब कहाँ प्ले कहाँ से शुरू होता है, चुबकोव के घर का ड्राइंग रूम है। लोमोव एंटर, लोमोव उसमें एंटर होता है। चुबकोव मीट हिम, चुबकोव उसको मिलता है। चुबकोव इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम, चुबको उसको मिलने से बड़ा खुश होता है, कि उसको खुशी होती है कि उसका पड़ोसी उसे मिलने आया है। ही आस्क टू हिम टू सिट डाउन, वो उसको बैठने को कहता है। ही आल्सो आस्क हिम वेयर ही इज़ गोइंग इन दिस इवनिंग ड्रेस, क्योंकि उसने बहुत सुंदर कपड़े डाले होते हैं, तो इसलिए वो लोमोव से पूछता है कि तुम इतने तैयार होकर इवनिंग ड्रेस में कहाँ जा रहे हो। तो लोमोव टेल्स हिम द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट, लोमोव चुबको को अपनी विजिट का पर्पज़ बताता है। लोमोव टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू सी हिम विद अ रिक्वेस्ट, वो लोमोव चुबकोव को बताता है कि वो उसको एक रिक्वेस्ट करने आया है। दैट ही वॉन्टेड टू से दैट ही गेट्स एक्साइटेड, और उसको एक्साइटमेंट, वो बड़ा उत्साहित हो रहा है ये उसको बताते हुए। चुबकोव फील दैट ही हैज़ कम टू बोरो मनी, बट चुबकोव को लगता है कि वो तो पैसे उधार मांगने आया है, इसलिए वो डर भी रहा है और घबरा भी रहा है, ठीक है। लोमोव स्टार्टेड हिज स्पीकिंग, वो बताना शुरू करता है। बट ही टेल्स ऑफ दिस थिंग और दैट, कभी ये बात करा कभी वो बात करता है। एटलीस्ट ही से दैट ही इज कम टू आस्क नतालिया हैंड, तो नतालिया चुबकोव की बेटी है और वो कहता है कि मैं तो उसका हाथ मांगने आया हूँ। चुबकोव इज ग्रेटली एक्साइटेड टू हेयर दैट इट इज दैट एज इफ ही इज वरीड अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज, वो चुबकोव बड़ा खुश होता है, एक्साइट होता है, उत्साहित होता है कि चलो उसकी बेटी की शादी को लेकर वो पहले ही परेशान था, अब कोई उसकी शादी बेटी से शादी करने को रेडी हो गया। चुबकोव कंसेंटस, वो अपनी रजामंदी देता है। चुबकोव इम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव फॉर इट, वो उसको गले लगाता है और उसको चूमता है लोमोव को। ही सेज दैट ही ऑलवेज वांटेड दैट, वो कहता है मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ। ही इज़ वेरी हैप्पी दैट ही बिहेव इडियटिकली, चुबकोव उससे माफ़ी मांगता है कि यार मैंने बड़े इडियटिक तरीके से तेरे से बात की है। लोमोव आस्क हिम इफ ही शुड थिंक दैट ही गिव्स हिज कंसेंट, लोमोव उससे पूछता है कि क्या वो अपनी रजामंदी उसको दे देंगे। चुबकोव ओके जिट, कहता ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चुबकोव उसको कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोमोव से उसकी बेटी को शादी करने में। ही टेल्स दैट नतालिया आल्सो लव हिम, वो बताता है कि नतालिया जो उसकी बेटी है चुबकोव की, वो भी लोमोव को प्यार करती है। लोमोव थिंक्स ऑफ नतालिया एंड हिज ओन लाइफ, लोमोव अपने बारे में और नतालिया के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लोमोव ट्रेम्बल्स ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट, वो काम पर है ग्रेट एक्साइटमेंट से। ही सेज दैट इफ इट लुक्स फॉर एन आइडियल लव ही वुड नेवर गेट मैरिड, कहता अगर उसको अपने ही लुक्स फॉर एन आइडियल, वो अपने लिए एक आइडियल लव की तलाश कर रहा था, अदरवाइज वो कभी भी शादी नहीं करेगा। ही गेट कोल्ड, वो
ठंडा पड़ जाता है उसका शरीर। हाउएवर ही फील्स दैट नतालिया इज़ ए गुड हाउसकीपर, हालांकि उसको लगता है कि नतालिया एक गुड हाउसकीपर है। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड, वो खूबसूरत है और वेल एजुकेटेड है। ही इज़ ऑलरेडी 35, वो 35 साल का हो चुका है। ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, वो अब एक शांत और रेगुलर जीवन जीना चाहता है। बट ही नाउ हैज़ पल्पिटेशन, अब उसका धड़कनें तेज हो जाती हैं। ही कांट स्लीप, वो अब सो नहीं पाता। ही स्टार्ट जंपिंग लाइक ए मैड पर्सन, वो जंप करता है लाइक ए बेड पे सोए सोए ही वो जंप करने लगता है एक पागल इंसान की तरह। ठीक है, नतालिया एंड लोमोव टुगेदर, तो यहाँ पे नतालिया भी आ जाती है सीन में, ड्राइंग रूम में मतलब। नतालिया एंटर्स, शी आस्क लोमोव व्हाई ही वाजंट ही हैजंट केम देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो नतालिया लोमोव को पूछिए कि आप इतनी देर से हमारे घर क्यों नहीं आए, काफ़ी दिनों बाद जो आया होगा वो। शी टेल्स हिम अबाउट द हार्वेस्ट, वो बताती है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। शी आस्क हिम व्हाई ही इज़ इन द इवनिंग ड्रेस, वो कहती है कि आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो। शी फर्दर आस्क इफ ही इज गोइंग टू बॉल, कहते क्या आप बॉल के लिए खेलने मतलब कोई गेम है उसको खेलने जा रहे हो। ठीक है, वो शो दे कहीं वो फिल्म देखने या शो देखने तो नहीं कोई जा रहा। लोमोव स्टार्ट्स टॉकिंग ऑफ हिज लैंड, लोमोव अपनी बातों बातों में अपनी लैंड के बारे में बात करता है। लोमोव ट्राइड्स टू टेल हर द पर्पज बिहाइंड द विजिट, लोमोव उसको अपने आने का कारण बताता है। बट ही इज़ ऑफ पॉइंट, वो पर वो उस बात से भटक जाता है। ही टेल्स दैट ही हैज़ नोन हर फैमिली फॉर लॉन्ग, वो कहता है कि मैं उसकी फैमिली को बहुत पुराने से समय से जानता हूँ। ही टेल्स ही इज़ इनहर्टेड हिज लैंड, कहता है वो मुझे पता कि आपने हमारे पुश्तैनी जगह पे आप रह रहे हो और वहाँ पे खेती कर रहे हो। हाउ ही रिस्पेक्ट नतालिया फादर, फिर भी वो अपने उसके नतालिया के पिता का बहुत सम्मान करता है। ही ऑल्सो टेल्स हर दैट हिज ऑक्स एंड मेडोस टच नतालिया बिर्चवुड, वो बताता कि उसका खेत नतालिया के बिर्चवुड के साथ है। बट ही नेवर टेल्स दैट ही हैज़ कम टू प्रपोजर, पर वो बातों बातों में इधर उधर की बातों में डिस्प्यूटेड बात करनी शुरू कर दी। लेकिन उसने अभी तक उसको नतालिया को ये नहीं बताया कि वो उसे शादी का प्रपोजल लेके आया है। लोमोव एक्सप्लेन द ऑनरशिप्स, हेयरिंग द नतालिया गेट सीरियस, और उसकी बात सुनकर नतालिया सीरियस हो जाती है। ही टेल्स हिम दैट ऑक्स एंड मेडोज आर नॉट लोमोव्स बट देयर, वो कहती है कि जो ऑक्स एंड मेडोज हैं वो लोमोव के नहीं है, वो हमारे खेत हैं। लोमोव क्लैरिफाई ही इज रेफरिंग टू ऑक्स एंड मेडोज, कहते हैं नहीं मैं उस खेत की बात कर रहा हूँ। कहता दे आर बिटवीन हर ब्रिचवर्ड एंड ब्रंट माश, ये कोई तीसरा पर्सन है उनके खेत, दोनों के खेत के बीच में ऑक्सन मेडोज है, वो कहते हैं वो हमारे हैं। लोमोव क्लेम कर रहा है कि वो हमारे हैं, नतालिया क्लेम कर रही है वो हमारे हैं। बस इसी बात को लेके उस लैंड की ऑनरशिप को लेकर झगड़ा हो रहा है, बात हो रही है। नतालिया सेज दैट दे आर देयर, वो कह रही है नतालिया कह रही है हमारे हैं। लोमोव उसको रिफ्यूज करता है, मना करता है नहीं वो तो हमारा खेत है। ही सेज दैट हिज आंट्स ग्रैंड मदर, कि उसकी आंटी की ग्रैंड मदर गेव दोज मेडोज टू नतालिया फादर्स ग्रैंडफादर, कि उसके पापा के ग्रैंडफादर को ये मेरी आंटी की दादी ने दिए थे। दिस द पीजेंट्स यूज टू द लैंड फॉर 40 years, आपके पीजेंट्स उस पर 40 साल से काम कर रहे हैं। बट दे रिगार्ड देयर ओन लैंड, पर वो उसको उनको अपना ही लैंड समझी जा रहे हैं। आर्गूमेंट कॉन्टिन्यूज, आर्गूमेंट चलती रहती है। नतालिया रिफ्यूजेज लोमोव क्लेम, वो नतालिया जो लोमोव का क्लेम है उसको मना करती है, रिफ्यूज करती है कि नहीं, इनकार करती है कि नहीं ये तुम्हारा क्लेम ठीक नहीं है। शी सेज दैट ऑक्स एंड मेडोज आर देयर, वो ऑक्स एंड मेडोज वो कहती है हमारे हैं। लोमोव सेज दैट ही विल शो द डॉक्यूमेंट, कहते वो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता सकता हूँ। बट नतालिया सेज दैट दे हैड लैंड फॉर नियरली 300 years, कहते वो लैंड तो 300 सालों से मेरे परिवार के पास है। शी कैनॉट स्टैंड अनफेयर थ्रू द मेडोज फॉर ओवर 30 rubles, कहते वो ले दे के उसकी कीमत 300 rubles नहीं बनती। लोमोव स्टेट्स दैट द पीजेंट्स ऑफ नतालियाज फादर ग्रैंड फादर, हाँ यहाँ से पढ़ रहा था मैं, लोमोव स्टेट्स दैट द पीजेंट्स ऑफ नतालियाज फादर ग्रैंड फादर बेग्ड ब्रिक्स फॉर हर आंट्स ग्रैंड मदर, वो कहता कि लोमोव उसको बताता है कि जो किसान थे नतालिया के पिता के जो दादा, वो ब्रिक्स बनाते थे उसकी आंट के ग्रैंड मदर के खेतों में। बोथ स्टार्ट फाइटिंग, वो कहते हैं वो फिर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। लोमोव ऑफर्स टू मेक अ पीजेंट ऑफ देम टू नतालिया, लोमोव उसको ऑफर टू मेक अ पीजेंट ऑफ देम, वो उसको पीजेंट बनाने की बात करता है नतालिया को। बट शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन मेक अ पीजेंट ऑफ देम प्रेजेंट टू देम फॉर हिम, वो लोमोव कह रहा है कि वो तो खेत उसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट करना चाहता है नतालिया को। नतालिया कहती मैं भी वो तेरे को प्रेजेंट कर देती हूँ। दोनों यहाँ तक बात करें कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हम मैं ये तो मैं तेरे को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट वो अपनी ऑनरशिप को लेकर बात अटक रही है। शाउटिंग स्टार्ट्स,
फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नतालिया गेट्स एंग्री, शी कम्स टू द लो लेवल, वो लो लेवल पे आ जाती है। शी स्टार्ट एक्यूजिंग लोमोव, वो लोमोव को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। शी सेज दैट दे लेंट हिम देयर, शी लेंट हिम देयर थ्रेशिंग मशीन, वो उसको थ्रेशिंग मशीन भी दी हुई है। लोमो फील दैट नतालिया कॉल्ड हिम ए लैंड ग्रैबर, लोमो समझता कि वो उसको समझते कि वो लैंड ग्रैबर है, कि लोगों की जमीन छीनता है। ही रिपीट्स दैट ऑक्सन मेडोज आर हिज, वो सोचता है कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। नतालिया रिपीट्स दे आर देयर, नतालिया फिर कहती है वो खेत हमारे हैं। दे स्टार्ट शाउटिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे हैं। उतनी देर में चुबकोव आ जाता है, चुबकोव साइड विद नतालिया, चुबकोव एंटर, उतनी देर में चुबकोव आ जाता है। नतालिया आस्क हिम टू टेल लोमोव दैट ऑक्सन मेडोज आर देयर, कि ऑक्सन मेडोज तो हमारे हैं, बताओ लोमोव को बताओ। लोमोव रिफ्यूजेज, लोमोव कहता है ना ना ना, ये उनके नहीं है, ये हमारे हैं, आपके नहीं, हमारे हैं। चुबकोव क्लैरिफाई दैट शाउटिंग, बाय शाउटिंग लोमोव वोंट प्रूव हिज द ऑनरशिप, चुबकोव क्लैरिफाई करता है कि चिल्लाने से लोमोव तुम्हारी ऑनरशिप साबित नहीं हो जाती। ही एक्यूजेज लोमोव ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली एज ही इज ट्वाइस हिज एज, वो कहता कि मैं आप तुम्हारी एज से दुगना हूँ, डबल एज का हूँ, तो मैं मेरे से डिसरिस्पेक्टफुल से कैसे बात कर सकते हो, आप मेरा आदर से बात नहीं कर रहे मेरे साथ। लोमोव एड्स दैट गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, कहता वो लोमोव कहता कि हाँ अच्छे पड़ोसियों को ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। एट द सेम टाइम ही कॉल चुबकोव अ लैंड ग्रैबर, और साथ के साथ वो भी कहता कि चुबकोव तो एक लैंड ग्रैबर है, उन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी हुई है। अब्यूज एक्सचेंज, फिर वो दोबारा एक दूसरे को बुरा बुला कहते हैं। लोमोव थ्रेटन्स टू टेक चुबकोव टू कोर्ट, वो कहता है लोमोव उसको धमकी देता है कि चुबकोव को कि मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। दे एक्सचेंज अब्यूजेस कॉलिंग दैट लोमोव्स ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड, उसकी इतना बुरा बुला गाली गलोच का होना शुरू हो जाती है। एंड लोमोव को ग्रैंडफादर को वो कहता है कि वो एक शराबी था। हिज यंगर आंट नत्साया रन अवे विद एन आर्किटेक्ट, की उसकी यंगर आंट, छोटी आंटी या बुआ हो सकती है यहाँ पे कह सकते हैं हम, कि वो किसी एक आर्किटेक्ट के साथ भागी थी। लोमोव वांट्स टू से समथिंग, लोमोव भी कुछ कहना चाहता है, बट ही फील्स दैट ही इज डाइंग, कि उसको लग रहा है कि वो मर जाएगा। ही से सो, उसको लग रहा है कि वो मर जाएगा, उसने ये कहा। एक्विजिशन कॉन्टिन्यूज, अभी भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी है। नतालिया कॉल्स लोमोव ए रास्कल, और नतालिया उसको कहती है तुम तो एक राक्षस हो। चुबकोव कॉल्स हिम द विलियन, चुबकोव उसको कहता है कि तुम विलियन हो एंड द स्क्रेक्रो, स्कारक्रो और एक डरपोक कौआ हो। ही कॉल्स हिम अ मोनास्टर, उसको राक्षस कहती है। हु हैज द करेज टू प्रपोज, जिसके पास हिम्मत है उसको प्रपोज करने की। चुबकोव टेल द पर्पज बिहाइंड लोमोव विजिट, हियरिंग प्रपोज लोमोव, नतालिया आस्क व्हाट प्रपोजल, वो कहते हैं नतालिया कहते किस प्रपोजल की बात कर रहे हो। चुबकोव टेल दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज टू हर फॉर मैरिज, वो कहते हैं कि लोमोव तो तेरे को प्रपोज करने आया था। हेयरिंग दिस शी स्टार्ट्स वीपिंग, ये सुनते ही उसने रोना शुरू कर दिया। शी कॉल चुबकोव टू ब्रिंग हिम बैक एट वंस, वो कहती है कि किसी भी तरह उसको वापस लेके आओ। शी इज इन हिस्टेरिक, वो पागल होने शुरू हो जाती है। ही लेमेंट्स दैट ही इज दैट इट इज़ ए ग्रेट बर्डन टू बी अ फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, वो भी महसूस करने लगता है कि ये बहुत बड़े बोझ की बात है एक बड़ी लड़की का पिता होना, ठीक है, जो बहुत बड़ी हो चुकी है। वो फाइटिंग ओवर डॉग्स, फिर वो कुत्तों के ऊपर लड़ने लगते हैं। लोमोव एंटर, दोबारा लोमोव आ जाता है, ठीक है। ही हैज अ पल्पिटेटिंग हार्ट, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। नतालिया बैग्स टू बी एक्सक्यूज्ड, वो उसको माफी मांगती है। शी टेल्स हिम दैट द मेडोज आर हिज, वो कह रही है चलो ठीक है खेत तुम्हारे ही हैं। द टॉक नाउ सेंटर्स ऑन डॉग, पर अब वो लड़ाई किस पे आ जाती है, कुत्तों पे आ जाती है। लोमोव टेल्स नतालिया दैट हिज बेस्ट डॉग गेस कॉस्ट हिम 125 रूबल्स, के 125 रूबल्स का आया। नतालिया कॉल इट टू मच, नहीं ये कहते बहुत ज़्यादा, एज हर फादर गेव 25 फॉर हिज स्क्यूजर, वो कहता है कि अब उस स्क्यूजर के लिए तो उसके पापा ने 85 रूबल्स दिए थे। स्क्यूजर इज बेटर देन हिज डॉग, स्क्यूजर तो तुम्हारे कुत्ते से ज़्यादा बढ़िया है। लोमोव रिफ्यूज, लोमोव उसको रिफ्यूज करता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरा कुत्ता ज़्यादा बढ़िया है। ही स्टेट्स दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, वो कहता है कि उसका छोटा ये जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नतालिया डिफेंस सेइंग दैट स्क्वीजर इज द फाइनेस्ट पेडिग्री, वो कहती है कि कुत्ता जो स्क्वीजर नतालिया के पास कुत्ता है वो ज़्यादा बढ़िया नस्ल का है। फाइटिंग कॉन्टिन्यू, लड़ाई जारी रहती है उनकी। बोथ लोमोव एंड नतालिया स्टार्ट्स फाइटिंग ओवर देयर डॉग्स, वो कुत्ते के ऊपर लड़ते जा रहे हैं। लोमोव कॉल्स हिम गेस बेटर, लोमो कहता है कि मेरा कुत्ता गैस बेटर है। नतालिया कहती है उसका कुत्ता बेटर है। लोमो हार्ट गेट्स पल्पिटेटिंग, उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगता है। ही से दैट हिज हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, कि उसका दिल अब टुकड़ों में होने जा रहा है। चुबकोव एंटर, चुबकोव फिर आता है। ही आस्क व्हाट इज द मैटर, अब क्या हो गया।
क्या मसला क्या है अब? चुपको ऑल्सो एट दैट लोमोव डॉग गैस इज ओल्ड एंड शॉर्ट। चुपको भी कहता है कि लोमोव का कुत्ता तो गैस है, वो बूढ़ा हो चुका है और छोटा है। पर्सनल एक्यूजिशन, वो फिर एक दूसरे पे पर्सनल इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते। लोमोव साइड से सम फैक्ट्स ऑफ हिज डॉग्स सुपीरियरिटी। लोमोव अपने कुत्ते की कुछ अच्छी बातें, सुपीरियर होने की कुछ बातें बताता है। ही सेड्स दैट डॉग रेस विद द काउंट्स डॉग। वो कहता है वो काउंट्स के डॉग के साथ रेस लगाता है। इन दैट स्क्वीजर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और उसमें से स्क्वीजर तो पीछे रह गया था। द डॉग्स रैन बट स्क्वीजर रैन आफ्टर ए शीप। तो सब कुत्ते भाग रहे थे पर स्क्वीजर तो एक शीप के बाद भागा था। लोमोव स्पीक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज हार्ट, और अब लोमोव अपने दिल की धड़कन की कंडीशन बताता है, दिल की कंडीशन बताता है। नतल्या आस्क हिम व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर ही इज। वो कहते हैं किस तरह के तुम एक शिकारी हो। ही शुड गो टू किचन, वो एक किचन में जाओ, एंड नॉट गो टू फॉक्सेस आफ्टर फॉक्सेस, लोमड़ियों के पीछे मत जाओ। अब्यूजेस हर्ड, अब अब्यूजेस रुक जाते हैं। चुपको साइड विद नतल्या, चुपको नतल्या की तरफ हो जाता है। ही एट दैट लोमो शुड सिट एट होम, कि उसको बैठ जाना चाहिए घर में। ही चेंजेस द सब्जेक्ट टू अवॉइड लूजिंग हिज टेम्पर। वो कहता है कि दोबारा वो उसका उसको गुस्सा ना आ जाए, इसलिए उनको शांत हो जाना चाहिए। लोमोज एंड ही एक्सचेंज अब्यूजेज कॉलिंग एक अनदर इंट्रूजर पप रैट एटसेट्रा। ये बुरी बुरी बातें उसको एक दूसरे को वो कहना शुरू कर देते हैं। लोमोव टेल दैट चुपकोज लेट वाइफ बीट हिम। जो वो कहता है कि चुपकोज की जो पत्नी जो मर चुकी है वो तो उसको पीटती थी। ही फॉल्स डाउन, और उसके बाद वो गिर जाता है। लोमोव्स फिजिकल कंडीशन, लोमोव की फिजिकल कंडीशन क्या है। नतल्या आस्क हर फादर व्हाट हैज हैपेंड टू लोमोव, लोमोव को क्या हुआ। चुपकोज फील्स ऑल्सो फील्स सिक एज ही कैनॉट ब्रीथ, क्योंकि वो अब सांस नहीं ले पा रहा था। चुपकोज आस्क व्हाट द मैटर इज, क्या मसला क्या है। नतल्या सेज दैट लोमोव इज डेड, वो कह रही कि लोमोव तो मर गया। एट दिस चुपकोज कॉल फॉर द वाटर एंड ए डॉक्टर, वो पानी को मंगाता है और डॉक्टर को मंगाता है। चुपकोज एज ए फादर एंड हिज हेल्पलेसनेस, चुपकोज एक पिता के रूप में अपनी क्या कहते हैं असहाय सा महसूस कर रहा है वो। चुपकोज स्टार्ट एक्यूजिंग हिमसेल्फ, चुपको उसको खुद को बड़ा ही एक्यूज कर रहा है, बहुत बुरा बुला सा कह रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। ही कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, कि सबसे वो अनहैप्पी मैन है। ही डिमांड फॉर ए नाइफ और ए पिस्टल, वो एक चाकू या पिस्तौल मंगवाने की बात करता है। लोमोव इज रिवाइविंग, अब लोमोव की धीरे धीरे उसकी होश उसको वापस आ रहा है। चुपकोव कॉल देम टू मैरी, लोमोव चुपको उसको कहता है कि शादी करो दोनों। लोमोव सेज दैट ही स्टार सी स्टार, कहता मुझे तो तारे दिख रहे हैं। ही आस्क वेयर ही इज, उसको कहता मैं कहाँ हूँ मैं। चुपको आस्क हिम टू हरी अप एंड गेट मैरिड, कहता जल्दी करो और शादी कर लो। नतल्या इज ऑल्सो विलिंग टू मैरी, नतल्या भी उससे शादी करना चाहती है। चुपको आस्क हिम टू किस ईच अदर, लोमोव आस्क हुम शी ई शुड किस। देन ही देन सेज दैट ओह, कब कहता ओह अब मुझे समझ आ गया किसकी बात कर रहे हो। नतल्या इज ऑल्सो हैप्पी, नतल्या भी खुश है। चुपको फील दैट अ वेट हैज कम ऑफ हिज शोल्डर, और चुपकोज कहता है कि अच्छा मेरे उसके कंधे से कोई बोझ हट गया, क्योंकि अब उसकी पत्नी बेटी की शादी होगी थी। ही ऑफर सम शैम्पेन फॉर दिस ओकेजन, और वो ऑफर करता है शैम्पेन, एक ड्रिंक है जो कि इस खुशी के मौके पे सबके लिए पेश किया जाए। तो ठीक है, ये थी सारी समरी। हमने जो प्ले पढ़ा हुआ है आपने भी क्लास में, तो इसकी समरी आप आराम से पॉज बना के स्लो करके, वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो, स्लो करके भी आप इसको नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए और एक बार दोबारा सारा प्ले सुन लीजिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके जी, क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगली वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।